दुनिया में आज जो महामारी चल रही है वो हो सकता है लंबे समय तक रहे। इसके निदान के लिए सरकार भी निरंतर प्रयासरत है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का पूरा खर्चा उठा रही है, लेकिन जिस हिसाब से संख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से सरकार भी कहां तक खर्च कर पाएगी। आने वाले दिनों में सरकार को मजबूरन कहना पड़ सकता है कि अपना कोरोना का इलाज अपने स्तर से करवाए। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा कितना आ सकता है। अगर हम माने कि कोरोना का इलाज 15 दिन तक चलेगा तो एक बार नजर डालिए इस चार्ट पर। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अगर आईसीयू रूम है तो 50,000 रुपए पर डे के हिसाब से 7.5 लाख रुपए और नॉर्मल वार्ड में 1.5 लाख रुपए। वहीं अगर कोई नॉर्मल प्राइवेट अस्पताल भी है तब भी खर्चा 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक आ सकता है। तो मैं जो बात आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि अभी इंश्योरेंस कंपनियों ने कोरोना इंश्योरेंस के साथ हेल्थ पॉलिसी जारी की है जिसमें सभी बीमारियों का कवर है, और यदि आप केवल कोरोना को ही लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हैं, जिसका सम इंश्योर्ड 50,000 से 3 लाख तक है। फैमिली के लिए फैमिली ऑप्टिमा पॉलिसी है जिसमें आप अपने बच्चों को भी शामिल कर सकते हो, वो भी 25 साल के नीचे के हो, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियां कवर हैं तथा उनका इलाज आप हॉस्पिटल में भारत में कहीं भी करवा सकते हो, और ये पूरा कैशलेस है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले आपको पैसे देने होंगे और बाद में रिफंड मिलेगा, बल्कि आपके अपने पैसे निकालने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन इसकी शर्त है कि आपको कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। आपको इसके आईसीयू चार्ज, मेडिसिन, एम्बुलेंस आदि जितना खर्च आएगा पूरा इंश्योरेंस कंपनी देगी। आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा अवश्य करवाएं। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह आप अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।